नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी शुक्ला। रिपोर्ट न लिखे जाने के कारण दलित परेशान होकर धरना पर बैठे और न्याय के लिए लगाई गुहार। आज जनपद गोंडा के जिला पंचायत सभागार के सामने टीन सेट में BKS यूथ विंग इकाई गोंडा के जिलाध्यक्ष कोरी राम सागर की अगुवाई में कई मामलों को लेकर जो थाना परसपुर व थाना उमरी बेगमगंज में दलितों की रिपोर्ट न लिखे जाने और रास्ता बंद करने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। चूँकि इस मामले में थाना CO, पुलिस अधीक्षक व शासन प्रशासन तक शिकायत की गई, परंतु आज तक दलितों की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। धरना में राम कुमार निशांत, कंचन, सुभाष चंद्र हेमा, संतोष कुमार, कुलदीप लक्ष्मण प्रसाद आदि 50 लोग धरना में शामिल हुए। प्राइम न्यूज 24 ब्यूरो चीफ राजकरण अकेला एडवोकेट गोंडा की रिपोर्ट। आज यहाँ पे धरना दिए हुए हमारे कुछ लोग यहाँ पर तीन सेट में बैठे हुए हैं। मैं प्राइम न्यूज 24 से राजकरण अकेला, आइए जानते हैं कि क्या समस्या है, किस बात को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है भैया? कोरे राम सागर। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरी बात बताइए अपनी, कहाँ के रहने, पूरा एड्रेस। ग्राम पुराना। आज किस बात को लेकर आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं? हम इस बात को लेकर बैठे हुए हैं कि कुछ यहाँ पे सामंतवादी संस्था द्वारा लोगों को मारा पीटा गया, उसमें अभी तक आने के स्थानीय थाने के पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई ना की और उल्टा इन लोगों के खिलाफ 151, 160, 116 करके फर्जी जो है जमानत करवाया जाता है। और जो कुछ लेखपाल और कानून गो के द्वारा एक रास्ता संबंधित मामला था, उसमें विजय प्रताप सिंह व विजय भान सिंह के द्वारा अवरुद्ध करके उसको बंद कर दिया गया। इस संबंध में आपने कहाँ कहाँ कोई शिकायत किया है कि केवल थाने पे ही तक गए? नहीं नहीं, इस संबंध में हमने तहसील दिवस में भी शिकायत किया, प्रार्थना पत्र दिया, एक बार उसको रास्ते को खुलवाया भी गया, लेकिन उसके बाद 2008 में बुलवाया गया। उसके बाद रिपोर्ट जो लगाई गई लेखपाल द्वारा और पुलिस और थाने की मौजूदगी में खुला, उसके बावजूद उसको बंद कर लिया गया। और उसके बाद घटना किसके साथ घटी है बताएं, किसके साथ घटी है ये घटना? घटी है जो राम सुनीता पत्नी राम मदन। कहाँ है पीड़ित? कहाँ है पीड़ित? है बताइए, आप इधर आइए थोड़ा सा, आगे आ जाओ। क्या नाम है आप? इधर देखिए देखिए देखते देखिए, क्या नाम? सुनीता, क्या प्रकरण है बताइए आप, क्या मामला है? रास्ते के मामला का है, और कोई मामला तो नहीं है? नहीं तो आप कह रहे हैं रास्ते का मामला है, तो और क्या मामला है कुछ बताएंगे? रास्ते में जाते थे, उन्होंने घेर लिया, हम लोगों को मारा, खेत के मारा के नाम का है मारे थाने पे। आप तहरीर कब दिए? किस तारीख को? कितना दिन पहले? 3-4 महीना। खाली थाने पे तहरीर दिए हैं? और ये धरना पे बैठने के लिए आपको किसी ने सुझाव दिया है या कोई ज्ञापन आपने कोई शिकायत किया है कि हमें हमारा काम नहीं होगा तो हम धरने को बैठ जाएंगे? अपनी मांग को लेकर कितना दिन पहले आपने बताइए, कितना दिन पहले आपने बताया कि यहाँ धरना पे हम बैठेंगे? 15 दिन। आप नोटिस दे चुके हैं कि हम धरने पर बैठेंगे, अगर हमारा मांग नहीं मानी गई तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। ठीक है, हम प्राइमरी पट्टी खोलते हैं, यहाँ पर जो लोकेशन है, इनकी प्रकरण है कि इनकी व्यथा जो थाने पे दी, इनकी सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद ये आम अधिकारी को जो संबंधित अधिकारी उनको शिकायत की, आज इनकी सुनवाई नहीं हुई, इनकी शीघ्र सुनवाई हो इसलिए धरने पर बैठे हुए हैं। प्राइमरी 24 से राजकरण। देखो बाबू चलाए।